मास्क प्रयोग करा क्योंकि वही प्रिंसिपल है कोरोना का, ठीक है। अरे तू लगावा यार, ओके दे तू का वाला मजाक समझे तू का बस कवा का लगे ले हुआ कथि दवाई मिल गई दवाई देखा बोल दी यहाँ कैसे कैसे खाए गए हमें लिखल कब बजे आई तो लिखल हम लोग बकचोद है बता दे बता आप सही चला चला लिखल पकड़ा हो बड़ा बढ़िया है ठीक है आप हमारे बोस नहीं का वाला इजाजत होगा हम तुरंत दे देंगे ये देख पर ये मत इधर घर में कोविड का लक्षण आवे तो दवा लिखल है पर्चा भी है सब आप लोगों के टाइम से खाए गए और जेके लक्षण हो के कमरा में रहे सबसे मिले जुले आराम से पहला हाँ ठीक कोविड का सब शिवानंद राय जिला मंत्री भारतीय जनता पार्टी वाराणसी। शिवानंद जी किस तरह से आज ये आप गांव में आए हुए हैं दवा बांट रहे हैं क्या है ये क्यों किया जा रहा है? ये माननीय प्रधानमंत्री वाराणसी के लोकप्रिय सांसद माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर जो कोरोना की महामारी चल रही है जब उत्तर प्रदेश सरकार लगातार ग्रामीण स्तरों पर अपना स्वास्थ्य विभाग की टीम भेज करके दवा वगैरह पहुँचा रही है लेकिन जिस जगह पर मतलब शासन प्रशासन के लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं वहाँ खासकर बस्तियों में हमारा एक अभियान अलग है कार्यकर्ताओं के साथ जाना और जिन गांव में बुखार से लोग ज़्यादा पीड़ित हैं उन गांव में जा करके मास्क सैनिटाइजर और दवा वितरित करना और उन लोगों को कैसे खाना ये सारी जानकारी देना जो भी भारत सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से दवाएं हैं और जो स्वास्थ्य विभाग उपलब्ध करा रहा है वह दवाएँ हम आप लोगों के बीच में लेके जा रहे हैं और इन लोगों से हमेशा लगातार कुछ दिन की बात है आप लोग मास्क का प्रयोग करें दो गज की दूरी पर रहें गर्म पानी का सेवन करें काढ़ा का सेवन करें और ख़ास तौर पर जहां पर जो लोग गरीबी से जूझ रहे हैं जिनके पास दवा की व्यवस्था नहीं है इन लोगों के पास आने का मेरा सिर्फ एक उदाहरण है नर्स सेवा ही नारायण सेवा है। इस विषम परिस्थिति में हमारा आखिरी तक यही प्रयास है कि अंतिम व्यक्ति तक भारत सरकार और राज्य सरकार की योजनाएँ पहुँचे यही हमारा संकल्प है और यही हमारा मेन उद्देश्य है। कितने लोग लगाए गए हैं अगर बात वाराणसी की जाए तो? अभी हमारे वाराणसी में प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में लगभग 20 मंडल अध्यक्ष को हम लोग 1300 किट दिए हैं और अब तक मैं खुद 750 किट बांट चुका हूँ। कल से लेके आज लगातार 8 दिन से ये निरंतर दवा बांटने कार्यक्रम है और केवल उन जगहों पर जहाँ सरकारी व्यवस्था नहीं पहुँच पा रही किसी कारणवश मलिन बस्ती या हरिजन बस्ती जो भी बस्तियाँ हैं जहाँ पर लोग जागरूक नहीं हैं वहाँ पे हम लोग जा कर के काम कर रहे हैं ताकि उन लोगों को जागरूक किया जा सके और इस महामारी से बचाने का प्रयास किया जा सके यही मेरा मेन उद्देश्य है। भैया अपन नाम पवन कुमार सिंह। पवन जी आपको एक हाथ में पोटली लिए क्या है उसमें और कौन दिया है? इसमें कोरोना का दवा है और ये हमें जैसे डॉक्टर साहब आए थे दिए थे। बोलिए का नाम? पवन कुमार सिंह। पवन जी आपके हाथ में पोटली है उसमें क्या है और कौन दिया है? ये भाजपा के कार्यकर्ता लोग आए थे कोरोना का दवा और मास्क दिए हैं हमें। क्या बताएं हैं आपको कोरोना से बचने के लिए? कोरोना से बचने बुखार आने पर उसमें पर्ची में लिखा है जो दवा खाना है वो दवा खाने के लिए बोले हैं। और क्या क्या बताएं किस तरह इससे बचना है? हमेशा मास्क पहनना है हमेशा दूरी बना के रहना है। क्या कहेंगे जिस तरह से गांव-गांव जाके ये चीज़ दवा दी जा रही सरकार को क्या कहेंगे या उनसे जुड़े लोगों को क्या कहेंगे? धन्यवाद कहेंगे और उनका अच्छा प्रयास है सरकार। बिल्कुल प्रयास अच्छा है। इससे कितना कोरोना को रोकने में मदद मिलेगी? 100% मदद मिल रहा है 100% मदद मिलेगा। आपके आसपास अगर कोई कोई बुखार या सर्दी जुकाम का आदमी दिखेगा तो आप भी उसे दवा देंगे? बिल्कुल ये अपने अपना दवा यूज करने के लिए देंगे उसको।